ऐश्वर्या रॉय की डिवोर्स न्यूज और आराध्या बच्चन की फेक डेथ न्यूज सुनकर सलमान खान रह गए हैं शॉक में। तुरंत मिलने पहुंचे वे ऐश्वर्या रॉय से। वेल, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और अगर आप ऐश्वर्या के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐश्वर्या रॉय इस वक्त अपने और अभिषेक बच्चन के रिश्ते को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है, और इसी टेंशन के दौरान किसी ने उन्हें लेकर फेसबुक पर फेक न्यूज चला दी है कि उनकी बेटी आराध्या बच्चन की डेथ हो चुकी है। और ये दोनों खबरें मीडिया में काफी चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि ऐश्वर्या की बेटी आराध्या सही सलामत हस्ती खेलती स्पॉट की जा रही है। यहाँ तक कि कल वो एक अवार्ड शो में अपनी माँ को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दी गयी। आराध्या बच्चन की डेथ न्यूज तो फेक साबित हो गयी, लेकिन ऐश्वर्या और अभिषेक की डाइवोर्स को लेकर उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन दोनों अब हर ओकेजन पर अलग अलग ही आते हैं नजर। अभिषेक ना तो किसी अवार्ड शो में ऐश्वर्या के साथ नजर आते हैं, ना तो किसी पार्टी में, इसीलिए इनकी डाइवोर्स न्यूज काफी फैल चुकी है। ये दोनों खबरें सुनने के बाद सलमान खान मिलने पहुंचे ऐश्वर्या रॉय से उनके घर। बॉलीवुड में जब भी सलमान के क्लोज फ्रेंड्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भाईजान हमेशा उन्हें सपोर्ट करने के लिए रहते हैं फ्रंट पे, और इस मुश्किल समय में भी वे सपोर्ट कर रहे हैं ऐश्वर्या रॉय को। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि बच्चन फैमिली के लिए इस मुश्किल वक्त में सभी प्रे करें। हम आशा करते हैं कि ऐश्वर्या की फैमिली प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वो नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दें। वेल दोस्तों, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चन परिवार के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय के फैन है तो वीडियो पर इनके सपोर्ट के लिए लाइक तो बनता है।